डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही सिंपल वीडियो देने जा रही हूँ। देखने में तो ये सिंपल है बट इसके भी बहुत से टिप्स होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि दूध के ऊपर मलाई नहीं आती, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है, तो आज उनकी शिकायत दूर करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ दूध को कैसे बॉयल किया जाए कि दूध के ऊपर रोटी से भी मोटी मलाई आए। इसे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आइए देखते हैं दूध को कैसे बॉयल किया जाए ताकि रोटी से भी मोटी मलाई उसके ऊपर आए। रोटी से भी मोटी मलाई लाने के लिए हम दूध को इस तरह से बॉयल करेंगे। इसमें कुछ टिप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि दूध जो है उसके ऊपर मलाई नहीं जमती। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि दूध के ऊपर मलाई क्यों नहीं जमती। तो ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, ये मैंने भैंस का दूध लिया है। आपके पास अगर ये दूध ना हो तो आप पैकेट का दूध ले सकते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि डायरी नहीं होती, भैंस नहीं होती, तो वहाँ हम पैकेट का दूध यूज कर सकते हैं। तो मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और एक पतीले के अंदर मैंने दूध रखा है। आप चाहें तो आप कढ़ाई के अंदर भी दूध को उबाल सकते हैं बट कढ़ाई को फ्रिज में रखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक पतीला लिया है जो कि फ्रिज में इजीली आ जाए। तो हमने ये देखना कि हमने इसे उबालना कैसे है, तो हमने हाई फ्लेम पर इसे उबलने के लिए रख दिया है। आप देख रहे हैं दूध ऊपर आने वाला है, दूध जो है पूरी तरह ऊपर आ गया है। हमने फ्लेम ऑफ कर दी है ताकि दूध जो है बाहर ना गिरे। अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और फ्लेम हमने लो कर दी है। लो फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए सिर्फ बॉयल करेंगे। 1 मिनट हो गया है इसे बॉयल होते हुए, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ज्यादा देर हमें जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आपने क्या करना है, हमने दूध को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। आप देख रहे हैं कि जैसे इसके ऊपर झाग आई हुई है ऐसे ही रहने देना, बिल्कुल भी हम इसे हिलाएंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम बॉइल करते हैं साथ ही हमें दूध की जरूरत पड़ जाती है तो हम उसी दूध में से दूध निकाल लेते हैं, लेकिन ये टिप आपने ध्यान में रखना है कि दूध को हिलाना नहीं है। कम से कम 1.5-2 घंटे तक बिल्कुल नहीं हिलाना क्योंकि उसके ऊपर मलाई की एक परत हमने जमने देनी है। अगर हम हिला देंगे दूध को तो परत जो है वो टूट जाएगी तो मलाई उतनी मोटी नहीं आएगी। तो बॉयल होने के बाद दूध को आपने नहीं छेड़ना। तो 2 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही पड़े रहने देंगे। अगर आपने इसे उठा के कहीं और रखना है तो बहुत धीरे से उठाए ताकि ये हिले ना, बट कोशिश ये करें कि इसे उसी गैस पे उबालें जहाँ पे ये पड़ा रहे। आप देख सकते हैं दूध के ऊपर मलाई पूरी तरह से जम चुकी है। इसे 2 घंटे हो गए हैं, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में 2 घंटे रखने के बाद आप देख रहे हैं कि मलाई कितनी मोटी हो गई है, इसके ऊपर जम गई है और बिल्कुल एक सार मलाई है, इसमें टूटी नहीं हुई क्योंकि हमने दूध को हिलाया नहीं है। मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसी मुताबिक आप इसे रखें फ्रिज के अंदर। अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, जो लोग पूछते हैं कि हमारे जो दूध के ऊपर मलाई क्यों नहीं आती तो उसका कारण क्या है। तो इसी तरह से आप दूध बॉयल करें और इसी तरह से रोटी से भी मोटी मलाई उतारें। मैं आपको उतार के भी दिखा देती हूँ। इसे मैं चाकू से साइड से कट कर रही हूँ, बीच में से अभी भी नहीं तोड़ रही, बिल्कुल पूरी मलाई इसको मैं निकालूंगी। आप ये देख रहे हैं कितनी मोटी परत है, ये बिल्कुल भी ये मलाई दूध के अंदर नहीं घुली, दूध बिल्कुल प्लेन है। आप देख रहे हैं कि एक सार मलाई पूरी की पूरी हाथ के अंदर बाहर आ गई है, मैंने हाथ से इसे निकाल दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।